नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। रामनवमी के मौके पर जब सासाराम और नालंदा में जुलूस निकाला गया, तब वहां से हिंसा की तस्वीरें और खबरें सामने आई। आपको बता दें कि जिला स्तरीय पुलिस इस हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी इस सिचुएशन को, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। और जैसे ही ये खबरें चलने लगी सोशल मीडिया और TV स्क्रीन पर, तब जाकर वहां से भी हिंसा की खबरें सामने आने लगी, जहां जिस जगहों को सेंसिटिव नहीं माना जाता। और ऐसे में लगातार जो है कई दिनों से हिंसा की तस्वीरें सामने आती रहीं। और ऐसे में देखी कि खुद कल हाई लेवल मीटिंग जो है नीतीश कुमार ने की थी अधिकारियों के साथ, और DGP RS भट्टी जो है वो खुद मैदान में उतरे। और जैसे ही DGP RS भट्टी जो है मैदान में उतरे, उसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं कि सामान्य धीरे धीरे होती नजर आ रही है। कल तक जहां अलग अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी, वैसे ही जब DGP RS भट्टी जब मैदान में उतरे, तब इन तस्वीरों को थोड़ी राहत मिली। अब वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। बता दें कि जब DGP RS भट्टी पहली बार यहां आए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता किया था, तब उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपराधी तुमको दौड़ाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम उनको दौड़ाना शुरू कर दो। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसका चुनाव आप खुद करें। और ऐसे में देखिए कि सिचुएशन को अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग के बाद बिहार के DGP RS भट्टी रविवार की देर शाम बिहार शरीफ पहुंचे। DGP ने शहर के गगन दीवान समेत अन्य मोहल्लों में जाकर ताजा हालात की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सोमवार को समाहरणालय स्थित शहीद हरदेव भवन सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। बता दें कि DGP ने पुलिस पदाधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी कीमत पर दोषी नहीं बचे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरवासियों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। DGP ने जिले में शांति बहाली के लिए आम लोगों से सहयोग करने का आग्रह भी किया है। बता दें कि रविवार के देर शाम एक मीटिंग की गई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने सारे अधिकारियों को बुलाया था। और उस मीटिंग के बाद DGP RS भट्टी जो है वो खुद गए, निरीक्षण किया उन्होंने, जहां से हिंसा की खबरें आ रही थी वो खुद ग्राउंड जीरो पर गए, वहां पर एक मीटिंग भी की। और ऐसे में उन तमाम अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी, जो दोषी हैं उनको सजा देना है। और ऐसे में देखिए कि मीटिंग के बाद और जब DGP RS भट्टी जब खुद ग्राउंड जीरो पर गए, तब उन्होंने हालात को कहीं ना कहीं काबू कर लिया। जो हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। अब जाकर स्थिति कुछ सामान्य होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हिंसा के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। सोमवार को मोहल्लों में वार्ड पार्षदों की ओर से शांति समिति की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। उपद्रवियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और दंगा नियंत्रण बल को भी बुलाया गया है। विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों की संवेदनशील और अति संवेदनशील वाले इलाके में तैनाती की गई है। बिहार शरीफ में उपद्रव के मामले में अब तक 15 FIR दर्ज कराई गई है। इन मामलों में अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में देखिए कि मीटिंग के बाद जब खुद ग्राउंड जीरो पर DGP RS भट्टी उतरे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य हुई हैं। जहां से हिंसा की खबर आई थी, अब उन खबरों पर जो है विराम लग गया है। और ऐसी जो है आशा की जा रही है कि DGP RS भट्टी के ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद जो है स्थिति अब एकदम से काबू हो जाएगी। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT Reba, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।